नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब कुछ बदमाशों ने एक बारात में जमकर लूटपाट मचाई। इस दौरान उन्होंने दूल्हे के गले में पड़ी माला भी खींच ली। इसके बाद कुछ बारातियों के साथ भी लूटपाट की गई। हालात यह हो गए कि मौके पर SDM और CO पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। इतना ही नहीं, पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच बारात संपन्न कराई और लूटपाट के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल यह पूरी घटना संभल जिले के हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यहां के बराही गांव में बीते शुक्रवार को एक बारात निकल रही थी। गांव के ही दलित कल्लू की बेटी की बारात रामपुर जिले की एक शाहबाद तहसील के गांव में जा रही थी। यहां बारात गांव में पहुंची ही थी, तभी दूल्हे की बग्गी में कुछ खराबी आ गई और दूल्हा खराब बग्गी से उतरकर दूसरी बग्गी में बैठने जा ही रहा था। इसी दौरान एक समुदाय के कुछ युवकों ने दूल्हे पर हमला कर दिया।